नमस्कार, इंडिया वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही, जहां यूपी में पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कल पीएम मोदी नरेंद्र मोदी करेंगे वर्चुअली उद्घाटन। सीएम योगी अनुराग ठाकुर लखनऊ में रहेंगे मौजूद। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में पहली बार हो रहे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। 25 मई को पीएम मोदी उद्घाटन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ेंगे। आपको बता दें, इस दौरान अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहेंगे। यूनिवर्सिटी में कल भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। अनुराग ठाकुर भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी वर्चुअली इसका उद्घाटन करेंगे। इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का कल पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। यूपी में पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी का कल उद्घाटन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में पहली बार हो रहे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। 25 मई को पीएम मोदी उद्घाटन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री इस दौरान 208 विश्वविद्यालयों से आ रहे 4000 खिलाड़ियों को भी संबोधित करेंगे। तो आपको बता दें, लखनऊ में यूपी में पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का कल पीएम मोदी वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। साथ ही पीएम मोदी के सीएम योगी आदित्यनाथ और अनुराग ठाकुर भी लखनऊ में मौजूद रहेंगे। लखनऊ के बीबीडी यूनिवर्सिटी में कल कार्यक्रम का आयोजन भव्य कार्यक्रम किया जाएगा। देश भर से 208 विश्वविद्यालयों के खिलाड़ी इसमें शामिल होंगे। 4700 से ज्यादा खिलाड़ी आयोजन में हिस्सा ले रहे हैं। आपको बता दें, 25 मई से 3 जून तक नोएडा लखनऊ में ये आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही वाराणसी और गोरखपुर में भी खेलों का आयोजन किया जाएगा। 25 से 3 जून तक नोएडा लखनऊ में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में पहली बार हो रहे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। वो बतौर मुख्य अतिथि वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री इस दौरान 208 विश्वविद्यालय से आ रहे 4900 खिलाड़ियों को भी संबोधित करेंगे। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय खेल और युवक कल्याण मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें, लखनऊ के बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसको लेकर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। देश भर से 208 विश्वविद्यालयों के खिलाड़ी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो आपको बता दें, 4700 से ज्यादा खिलाड़ी इस आयोजन में हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में पहली बार हो रहे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। वही इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रियम पाठक जुड़ चुके हैं लखनऊ से। प्रियम, कल से यूपी में पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का उद्घाटन हो रहा है, इसको लेकर क्या तैयारियां की जा रही हैं? देखिए, इस पूरे कार्यक्रम को लेकर भव्य स्तर पर तैयारियां जो हैं वो की गई हैं। ये जो खेलो इंडिया गेम्स है उसका आयोजन यूपी में हो रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली रूप से इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। खेलो इंडिया गेम्स का आगाज जो है वो कल से होने जा रहा है। प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश मेजबानी जो है पहली बार इस टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है। इस टूर्नामेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वर्चुअली इसका उद्घाटन करेंगे और उसको लेकर सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। इसके अलावा प्रदेश के जो खेल निदेशक हैं आरपी सिंह, उन्होंने जो है बताया कि प्रधानमंत्री इसका शुरुआत करेंगे, सभी तैयारियां इसकी पूरी करी गई हैं वर्चुअल माध्यम से। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें जुड़ेंगे। इसके अलावा यहाँ पे कल केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर वो भी मौजूद रहेंगे और सीएम योगी आदित्यनाथ वो इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और उसमें यूनिवर्सिटी गेम्स देश भर में 208 विश्वविद्यालयों के लगभग 4900 खिलाड़ी जो हैं वो इसमें हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। सभी तैयारियों को जो है वो अंतिम रूप दिया गया है। लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और नोएडा, इन चार शहरों में इन गेम्स का जो है वो आयोजन किया गया है। नोएडा, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर में 21 जो है वो प्रतिस्पर्धाएं जो है वो रखी गई हैं। लखनऊ में 12, नोएडा में 5, वाराणसी में 2 और गोरखपुर में 1 जो गेम है उसका आयोजन रखा गया है। शूटिंग रेंज जो है वो उपलब्ध नहीं होने की वजह से निशानेबाजी की जो प्रतियोगिता है उसका आयोजन दिल्ली में किया जाएगा।
इसके अलावा बाकी जितने भी गेम हैं वो वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ और नोएडा में संपन्न होंगे। प्रियम, ये कार्यक्रम किस समय इसका उद्घाटन किया जाएगा और इस कार्यक्रम में अनुराग ठाकुर और सीएम योगी आदित्यनाथ के अलावा और कौन से नेता मौजूद रहेंगे? देखिए, इस कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो वर्चुअल रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। कार्यक्रम स्थल पर केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रदेश सरकार में खेल राज्य मंत्री गिरीश यादव वो मौजूद रहेंगे। इसके अलावा एसीएस खेल जो है नवनीत सहगल वो इसमें मौजूद रहेंगे, खेल निदेशक आरपी सिंह मौजूद रहेंगे और कई अन्य गणमान्य भी इस कार्यक्रम में, इस उद्घाटन समारोह में जो है शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। प्रियम, पहली बार यूपी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का उद्घाटन किया जा रहा है, तो इसको लेकर खिलाड़ियों में किस तरह का उत्साह है? बिल्कुल, देखिए, खिलाड़ियों में भी उत्साह है, उत्तर प्रदेश के लोगों में भी उत्साह है। जहां पर ये कार्यक्रम हो रहे हैं वहां पे लोगों में काफी उत्साह है, बड़े स्तर पर तैयारियां की गई हैं। मैदान जो है जहां पर गेम होने, लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शहर को पूरे सजाया गया है, सवारा गया है, राजधानी लखनऊ के अंदर भी चौराहों पर विशेष लाइटिंग की व्यवस्था के जरिए जो है उस शहर को सजाने की कवायद जो है वो इसके लिए की गई है। तो इस तरीके से पूरा ये विशेष तौर पर कार्यक्रम जो है जो आयोजित होने जा रहा है, जिसकी शुरुआत कल से होगी, उसमें ये पूरा भव्यता के साथ में इसको मनाया जा रहा है। राजधानी लखनऊ भी पूरी तरीके से तैयार है, 3 जून तक ये कार्यक्रम चलेगा, पूरी तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई हैं और वाराणसी में इसका 3 जून को समापन होगा। लखनऊ में सभी चौराहों को विशेष LED लाइट्स के जरिए सजाया गया है, बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगाए गए हैं। जो खिलाड़ी आ रहे हैं उनके लिए हर सुविधा का ध्यान रखा गया है कि उनको किसी भी तरीके की असुविधा जो है वो ना हो, इसका पूरी तरीके से तैयारियां जो है उसको लेकर करी गई हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से बड़े स्तर पर G20 को लेकर और GIS को लेकर जिस तरीके से तैयारी थी, ठीक उसी तरीके से खेलो इंडिया गेम्स की भी तैयारियां जो है वो देखने को मिल रही हैं। प्रियम, 25 मई से 3 जून तक ये कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, तो इस दौरान खिलाड़ियों को सुविधाएं के लिए क्या क्या, उनकी सुविधा के लिए क्या क्या व्यवस्था की गई है और साथ ही देश भर के 208 विश्वविद्यालयों के लगभग 4000 खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले रहे हैं, तो 4000 अगर खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं तो उनकी व्यवस्थाओं को लेकर क्या क्या तैयारियां की गई हैं? देखिए, उनकी तैयारियां सभी उनकी उनकी जरूरतों का ध्यान रखा गया है, चाहे उनके लिए प्रैक्टिस के मैदान की बात हो, चाहे फिर उनके रहने की व्यवस्था हो, उनके खाने पीने की व्यवस्था हो, सभी चीजों की व्यवस्थाएं पहले से ही की जा चुकी हैं। सभी जगह पे उनके रुकने का प्रबंध किया गया है, उनको प्रैक्टिस के लिए क्या कुछ आवश्यकता रहेंगी, इसके अलावा इमरजेंसी में अगर कोई मेडिकल चेकअप की या मेडिकल कंसल्टेशन की आवश्यकता होती है तो उसके लिए बाकायदा मेडिकल की टीमें जो है वो लगाई गई हैं। तो तैयारियां पूरी की गई हैं, खिलाड़ियों की हर सुख सुविधा का इसमें ध्यान रखा गया है कि उनको किस तरीके से किसी भी तरीके की समस्याओं का सामना न करना पड़े। 25 तारीख से लेकर 3 जून तक ये कार्यक्रम चलेगा, 10 दिन का यानी कि, और मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट का जो है इसमें आयोजन होगा। चारों ही शहर, चाहे वो लखनऊ हो, वाराणसी हो, गोरखपुर हो, नोएडा, चारों जगह पे ही भव्य स्तर पर तैयारियां करी गई हैं और विभाग का दावा है कि किसी भी तरीके की असुविधा जो है खिलाड़ियों को नहीं होने दी जाएगी। जी, तो प्रियम, तमाम जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही है, कांग्रेस समेत 19 विपक्षी पार्टियों ने नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। इन सभी एक संयुक्त बयान जारी किया गया है। बयान में कहा गया है कि लोकतंत्र की आत्मा को संसद से निष्कासित कर दिया गया है, हमें इस इमारत में कोई मूल्य नहीं दिखता, इसलिए हम नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करने का फैसला किया है। हम इस निरंकुश प्रधानमंत्री और उनकी सरकार के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे। इसमें संसद भवन के उद्घाटन को महत्वपूर्ण अवसर बताते हुए कहा गया है कि सरकार लोकतंत्र को खतरे में डाल रही है और निरंकुश तरीके से नए संसद का निर्माण किया गया। बावजूद इसके हम इसका महत्वपूर्ण अवसर पर अपने मतभेद को दूर करने के तैयार थे, लेकिन जिस तरह से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पूरी तरह से दरकिनार करते हुए जिस तरह से नई संसद बिल्डिंग का उद्घाटन प्रधानमंत्री करने का निर्णय लिया गया है, वह राष्ट्रपति पद का न केवल अपमान है बल्कि लोकतंत्र पर सीधा हमला है। तो आपको बता दें, कांग्रेस समेत 19 विपक्षी पार्टियों ने नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन करने पर कई विपक्षी दल इसका बहिष्कार कर रहे हैं।
कांग्रेस, आप, सीपीआई और तृणमूल कांग्रेस ने उद्घाटन समारोह बहिष्कार करने के बाद अब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 28 मई को होने वाले नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह को बहिष्कार करने की घोषणा की है। सीपीआई के राज्यसभा सांसद डॉक्टर जॉन ब्रिटास ने इस खबर की पुष्टि की है। जब से हमें ये पता चला कि प्रधानमंत्री जी स्वयं ही नई पार्लियामेंट्री बिल्डिंग का इनॉग्रेशन करेंगे, तो हम सब ने सलाह दी, सुझाव दिए, अपना पक्ष रखा कि ये जो संवैधानिक व्यवस्था है पार्लियामेंट को लेकर के, जहां महामहिम को माननीय राष्ट्रपति महोदया को ये इनॉग्रेशन करना चाहिए था, क्योंकि ये परंपरा के अनुकूल होता, रवायतों के अनुकूल होता, संविधान सर्वोपरि है इस भावना की पुष्टि होती। लेकिन प्रधानमंत्री जी की अपनी च्वाइस है, कहां सुनते हैं लोगों की। अंततः सारे विपक्ष ने यह निर्णय लिया कि एक संदेश दिया जाए, ताकि आज से 20 बरस बाद, 25 बरस बाद, 50 बरस बाद जब ये इस दौर का इतिहास लिखा जाएगा, तो ये लोग इस बात की तस्दीक करेंगे कि विपक्ष के कई अधिकांश दलों ने, बल्कि कई क्यों कहूं अधिकांश दलों ने इस बात के पक्ष में अपनी राय रखी कि संविधान सर्वोपरि होता है। कोई भी ऐसी चीज ना हो जिससे महामहिम राष्ट्रपति जी के मान में कोई कमी आए। यही अभी भी मैं आग्रह करूंगा प्रधानमंत्री जी से कि इसमें कोर्स करेक्शन की बेहद आवश्यकता है। इतिहास सब कुछ स्मरण करेगा। हम लोगों का मानना है कि राष्ट्रपति जी जो हैं, उनसे जो है उद्घाटन कराना चाहिए था, क्योंकि पार्लियामेंट के जो हेड होते हैं एक तरह से वो राष्ट्रपति ही होते हैं, और उनसे ना करा करके ये कहीं ना कहीं से राष्ट्रपति जी का अपमान जो है वो किया जा रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि पहला जो सेशन जो है, जो उद्घाटन जो भी हो रहा है, इसका सभी विपक्ष के दल मिलकर के जो है बॉयकॉट कर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर रार मचा हुआ है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा नए संसद भवन के उद्घाटन पर कांग्रेस की आपत्ति को लेकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने पहले संसद एनेक्सी और पुस्तकालय का उद्घाटन किया था, तो हमारी सरकार के प्रमुख ऐसा क्यों नहीं कर सकते। अच्छा, आप लोग कह रहे हैं इसको नहीं करना चाहिए, उनको करना चाहिए। भाई साहब, दो डेट्स मैं आपको बताता हूं। एक डेट है शायद अगस्त 1975 की, हाँ, जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने पार्लियामेंट एनेक्स की इनॉग्रेशन की थी, ठीक है। दूसरी डेट है, जहां तक मुझे याद आता है, 75 की 15 अगस्त 87 में राजीव जी जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने पार्लियामेंट लाइब्रेरी की। तो आप मेरे को ये बताइए, आपको अगर संविधान के, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल पढ़ने आते भी नहीं, इन्होंने 2-3 आर्टिकल गलत कोट किए है। जब मैंने उनको बोला, मैंने कहा एक वन आर्टिकल डील्स विद यू नो सब्जेक्ट ऑफ गिविंग एन असेंट टू अ बिल, द अदर आर्टिकल डील्स विद समथिंग एल्स, तो उनको चुबा। उन्होंने कहा नहीं नहीं ये नहीं वो नहीं। ये होमवर्क करते नहीं अपना। अपने समय में जो देखिए, हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट में देयर इज अ डिफरेंस। अगर आपके हेड ऑफ गवर्नमेंट इनॉग्रेट कर सकते हैं पार्लियामेंट की एनेक्सी को और लाइब्रेरी को, तो हम इस समय के हेड ऑफ गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकते। सिंपल इज दैट। मुझे लगता है कि ये दिस वॉज अ वेरी पुअर अटेम्प्ट एट क्रिएटिंग ए डाइवर्जन। हाँ जी, नहीं नहीं, वो सोनिया जी की तो मतलब शी इज इन देयर टाइम शी वॉज हायर देन दी हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट, वो तो उसकी उनकी अलग बात है। वो तो गई थी, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ वो कहां गई थी, चेन्नई गई थी शायद, वहां पर भी उन्होंने कुछ। मैं उसमें नहीं पढ़ रहा। देखिए, मैं समझता हूं, मुझे तो इस मंत्रालय के साथ जुड़े हुए कोई 6 साल हो गए। मैं समझता हूं, मैं अब देख रहा हूं देश में कोई 600 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो इनके नेताओं के नाम पे हैं। हमारे यहां तो कुछ ऐसा नहीं होता। अगर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना की, तो ये प्रधानमंत्री है, किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं होता है। तो इसलिए ये है, तो ये पार्लियामेंट हो गया। कोई और प्रायोरिटी है आपके पास? उधर आम आदमी पार्टी ने के सांसद संजय सिंह ने बुधवार को दावा किया है कि उनके करीबी और स्टाफ के ठिकानों पर ईडी की टीम छापेमारी कर रही है। सांसद संजय सिंह इस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ दूसरे दलों के नेताओं से मिलने के लिए दिल्ली से बाहर गए हुए हैं।
संजय सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मोदी की दादागिरी चरम पर है, मैं मोदी की तानाशाही के खिलाफ लड़ रहा हूं। ईडी की फर्जी जांच को पूरे देश के सामने उजागर किया। ईडी ने मुझसे गलती मानी, जब कुछ नहीं मिला तो आज मेरे सहयोगी अजीत त्यागी और सर्वेश मिश्रा के घर ईडी ने छापा मारा है। सर्वेश के पिता कैंसर से पीड़ित हैं, ये जुर्म की इंतहा है। चाहे जितना जुर्म करो, लड़ाई जारी रहेगी। मोदी सरकार की ईडी की तानाशाही और गुंडागर्दी को पूरे देश के सामने उजागर किया, इस बात का सच पूरे देश के सामने रखा कि किस तरह से ईडी अपनी संस्था का दुरुपयोग करके, अपनी ताकत का दुरुपयोग करके जबरदस्ती शराब घोटाले में लोगों को फंसाने की कोशिश कर रही है। और जब उनको मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिला, मुझसे उन्होंने गलती मानी, अब मेरे सहयोगियों के घर छापेमारी कर रही है। आज सुबह पता चला कि मेरे साथियों के घर पे छापेमारी की गई है। मैं ईडी को बताना चाहता हूं, किसी भी तरीके से जो भी हथियार अपनाना है अपना लो, तुम्हारे सामने ना झुकूंगा ना रुकूंगा, ना मोदी सरकार के इस हथकंडे के सामने कोई भी समझौता हम लोग करने वाले हैं। आपसे लड़ेंगे, आपको उजागर करेंगे पूरे देश के सामने, ईडी का किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है इसको उजागर करके रहूंगा, भले ही सर्वोच्च न्यायालय में जाना पड़े, उच्च न्यायालय में जाना पड़े, इस दादागिरी और तानाशाही के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखूंगा। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ देश के नामी पहलवानों का जंतर मंतर पर धरना जारी है। मंगलवार को धरना दे रहे पहलवानों ने न्याय की मांग को लेकर जंतर मंतर से इंडिया गेट तक मार्च निकाला था। इस मार्च के बाद पहलवान विनेश फोगाट ने कहा कि हमने 28 मार्च को नए संसद भवन के सामने शांतिपूर्ण महिला महापंचायत करने का फैसला किया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि महिलाएं इस महापंचायत को लीड करेंगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आवाज जो उठाई गई है ये दूर तक जानी चाहिए। नए संसद भवन के सामने दंगल को लेकर रेसलर की महिला पंचायत की महापंचायत होगी। देखिए, जैसे कि हमारे जितने भी किसान संगठन हैं, हमारी गांव पंचायतें हैं, सभी बड़े बुजुर्गों ने सभी बड़े बुजुर्गों ने एक फैसला लिया है कि 28 तारीख को संसद भवन के सामने, नई संसद भवन के सामने महिलाओं का महापंचायत होगा, तो उसमें हम युवाओं का सभी लोग पीछे खड़े रहेंगे, हमारी ताकत बनने का काम करेंगे, लेकिन महिलाओं का महापंचायत है और महिलाएं इसको लीड करेंगी और जितने भी हमारी बड़ी माताएं हैं, बहनें हैं, जो हमारे साथ में समर्थन में आएंगी और हम चाहते हैं कि वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, क्योंकि अगर ये आवाज़ उठी है तो ये आवाज़ दूर तक जानी चाहिए। और अगर आज इन देश की बेटियों को न्याय मिल जाता है तो आने वाले जितनी भी बेटियां होंगी उनको भी हिम्मत देने का हम काम करेंगे। संसद भवन के सामने महापंचायत करेंगे, संसद भवन के सामने, ये मैं आपको क्लियर कर रही हूँ, और बिल्कुल शांतिपूर्वक जैसे आज हमने किया है ऐसे ही हम शांतिपूर्वक तरीके से करेंगे। 28 तारीख। हाँ जी, 28 तारीख। मंगलवार को घोषित हुई यूपीएससी परीक्षा के परिणाम में अमरोहा जिले के एक अधिकारी और मिला है। अतराशी गांव के रहने वाले पोस्टमास्टर के बेटे सौरभ को 705वीं रैंक मिली है। मध्यमवर्गीय परिवार के सौरभ को यह सफलता पहले ही प्रयास में मिली है। इस उपलब्धि से सौरभ के परिवार वालों में हर्ष का माहौल है। बता दें कि सौरभ ने 5वीं तक की पढ़ाई सेंट मैरी स्कूल गजरौला और 12वीं तक की पढ़ाई जवाहर नवोदय विद्यालय से की थी। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से 2021 में स्नातक की पढ़ाई पूरी की। सौरभ का लक्ष्य यूपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण कर सिविल सर्विस में जाना था, लिहाजा उसने कड़ी मेहनत की और पहली बार परीक्षा में बैठे, जिसमें उन्हें सफलता भी मिली। मंगलवार को आए परिणाम में उन्हें 705वीं रैंक मिली है। दोपहर में जब सौरभ को इसकी जानकारी हुई तो उनके परिवार में खुशियां छा गईं। उन्हें बधाई देने वालों का तांता लग गया, मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया गया। इस आपको बता दें, इटावा सफाई एयर स्क्रिप्ट पर डिप्टी सीएम के ब्रजेश पाठक पहुंचे हैं। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर इटावा से सामने आ रही है। सफाई एयर स्क्रिप्ट पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंच चुके हैं। पुलिस बल ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को सलामी दी है। इटावा के जिलाधिकारी अवनीश राय ने भी स्वागत किया है डिप्टी सीएम का। एसएसपी संजय कुमार ने भी स्वागत किया। बीजेपी विधायक सरिता भदौरिया ने भी
स्वागत अभिनंदन किया है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का। तो आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। एफआईआर स्ट्रिप पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंच चुके हैं। पुलिस बल ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को सलामी दी है। इटावा के जिलाधिकारी अवनीश राय ने भी डिप्टी सीएम का स्वागत किया है। एसएसपी संजय कुमार ने भी ब्रजेश पाठक का स्वागत किया है। बीजेपी विधायक सरिता भदौरिया ने भी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का स्वागत अभिनंदन किया है। उधर बुलंदशहर में पुरानी रंजिश को लेकर भतीजे ने साथियों संग मिलकर चाचा की हत्या कर दी, जहां सोते वक्त सिर पर सरिया और डंडे से वार कर चाकू से हत्या कर दी गई। आपको बता दें, मृतक के भतीजे समेत 3 लोगों को वारदात को अंजाम दिया है, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और एक आरोपी को गिरफ्तार कर हिरासत में लिया। वहीं 2 की तलाश अभी जारी है। तो पुरानी रंजिश को लेकर भतीजे ने चाचा को मौत के घाट उतार दिया। तो आपको बता दें, बुलंदशहर में भतीजे ने चाचा को मौत के घाट उतार दिया। पुरानी रंजिश के चलते सोते समय चाचा पर वार किया। उधर मिर्जापुर के थाना विश्वांचल के पास 18 मई को सूरज कुमार उपाध्याय ने पत्रकार की अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियार से मारकर गंभीर कर दिया। वहीं पुलिस को इस मामले की तहरीर देने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो मिर्जापुर में एक पत्रकार पर जानलेवा हमला किया गया। अज्ञात बदमाशों ने पत्रकार पर जानलेवा हमला किया। इस दौरान पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उधर बिजनौर में नशेड़ी पति द्वारा पत्नी की फरसे से काट कर हत्या करने वाले आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जहां पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कवायद में जुट गई है। एक दिन पहले पति पत्नी में मामूली विवाद हुआ था, जिस पर नशेड़ी पति ने फरसे से वार कर पत्नी की हत्या कर मौके से फरार हो गया। दरअसल ये पुराना मामला बिजनौर थाना क्षेत्र के द्वारकापुरी इलाके का बताया जा रहा है। तो बिजनौर में नशेड़ी पति ने पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर मौके से फरार हो गया। पति पत्नी के बीच मामूली विवाद को लेकर झगड़ा हुआ था। इस दौरान नशेड़ी पति ने पत्नी को मारकर हत्या कर दी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहे इंडिया वॉइस। नमस्कार।